हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम इंग्लिश BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश के सेकंड यूनिट में एक टॉपिक है आपका पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मीन्स कि जब आप कैपिटलाइजेशन यानी कि जो कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर का यूज़ आप कहाँ कहाँ पर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करना है और कहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ करना है। जनरली तो जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला लेटर कैपिटल में होता है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें जिनमें कैपिटल लेटर आपका यूज़ होता है। तो वो कौन कौन से रूल हैं वो अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट रूल तो हमारा वही है कि जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो पहला लेटर हमारा कैपिटल का होता है। फर्स्ट रूल क्या है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी कि आप कैपिटलाइज किसको करेंगे, फर्स्ट लेटर जब आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा उसको आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी वॉक्ड अलॉन्ग द पाथ टू द लेक। तो वी में वी से स्टार्ट हो रहा है तो हम डब्ल्यू को कैपिटल में लिख रहे हैं। उसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, कैपिटलाइज द प्रोनाउन आई। यानी कि जो हमारा ये आई प्रोनाउन है, आई, ठीक है, तो इसको हम कभी भी इस तरीके से स्मॉल में नहीं लिखते हैं। चाहे ये स्टार्टिंग में हो सेंटेंस के, या मिडिल में हो, या लास्ट में हो, हमेशा ऑलवेज हम आई को कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखा दिया हुआ है, शुड आई कॉल यू लेटर। ठीक है, शुड आई कॉल यू लेटर, क्या हमें बाद में कॉल करना चाहिए। आई थिंक आई विल कॉल एट 6 o'clock। तो देखिएगा, आई यानी आई, मैं, जहाँ पर भी आपका ये प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वहाँ पर आपका ये कैपिटल में लिखा हुआ है, जो रेड कलर से लिखा हुआ है, ये आपका आई है जो कि कैपिटल में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड जो है वो है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन मोस्ट लाइन्स ऑफ पोइट्री। यानी कि अगर हम कोई पोइट्री लिख रहे हैं तो पोइट्री का जो फर्स्ट लाइन होता है तो मोस्टली हम उसको कैपिटल में लिखते हैं। अगर चार लाइन की पोइट्री है, चार लाइन को कभी कभी हम दो लाइन में ही कॉमा लगा के लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कैपिटल रहेगा, यहाँ पर भी कैपिटल रहेगा, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी आपका कैपिटल में रहेगा। कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड, द लास्ट वर्ड एंड ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन एनी टाइटल। डू नॉट कैपिटलाइज द ए एंड द एंड बर्ड और नॉर और प्री पोजिशन ऑफ फोर ऑफ फ्यूअर लेटर्स अनलेस दे आर द फर्स्ट और लास्ट वर्ड ऑफ अ टाइटल। ठीक है, यानी कि जो हमारा टाइटल होता है, जो टाइटल हम लिखते हैं तो उसको हम हर एक वर्ड का पहला लेटर हम लिखते हैं कैपिटल में। ठीक है, जैसे टाइटल है द लिटिल प्रिंस, तो द भी आपका टी से टी कैपिटल रहेगा, एल कैपिटल है, और प्रिंस का पी कैपिटल है। तो इस तरीके से अगर हम किसी को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी हर जगह आपका हैप्पी बर्थडे स्मॉल में नहीं रहेगा, कैपिटल में नहीं रहेगा। बट अगर किसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं आप कोई चीज़ें, कुछ स्पेशल चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कैपिटलाइजेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैपिटलाइज पीपल्स नेम एंड देयर इनिशियल। जो पीपल का नेम होता है, नेम कुछ भी हो सकता है, कुमार सिंह, ठीक है, कुमार सिंह, तो कुमार का के और सिंह का एस, ये आपका रहेगा। सिंह आपका क्या है, सिंह आपका टाइटल है, तो ये भी आपका कैपिटल में रहता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड टाइटल तीनों आपका कैपिटल में रहता है। कैपिटलाइज डेज मंथ्स हॉलीडेज एंड स्पेशल डेज, जो आपका डेज लिखा जाता है, डेज ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो ये आपका जहाँ पे भी होगा वो आपका कैपिटल में ही होगा। दूसरा आपका मंथ जो होते हैं जनवरी फरवरी, ये आपके कैपिटल में रहते हैं। एंड हॉलीडेज, अगर किसी भी तरीके की कुछ स्पेशल छुट्टी है, जैसे आपका दिवाली है, होली है, तो इसके भी फर्स्ट लेटर आपके कैपिटल में देखने को मिलेगी। या कोई स्पेशल डे, ठीक है, कोई भी स्पेशल डे आप लेकर आते हैं तो उसको भी हम कैपिटल में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैपिटलाइज मदर डैड एंड अदर लिटिल अदर टाइटल ऑफ इफ़ यू कैन इंसर्ट द पर्सन नेम। जो आप जैसे फादर को आप डैड बुलाते हैं या फादर बुलाते हैं, तो ये चीज़ें भी आपके, जैसे अंकल है, डॉन्ट है, डैड है, तो इनको भी हम कैपिटल में ही लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे कैपिटलाइज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, जैसे आप लिख रहे हैं, आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, डॉक्टर रिजवी कॉलेज,
ठीक है, तो डॉक्टर भी, डी भी आपका कैपिटल में रहेगा, आर भी कैपिटल में रहेगा, और कॉलेज भी आपका कैपिटल में रहेगा। ऑफ लॉ लिखेंगे, ऑफ लॉ, तो लॉ का भी एल आपका कैपिटल में रहेगा। कैपिटलाइज द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन यानी कॉलेज ही है। ऑर्गेनाइजेशन में आपका कंपनी नेम वगैरह भी आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका टाटा ए आई ए, ठीक है, टाटा ए आई ए या कुछ भी हो सकता है, महिंद्रा, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है। और इंस्टीट्यूशन के नेम, कॉलेज वगैरह का नाम जो होता है वो भी आपका कैपिटल में लिखा जाता है। कैपिटलाइज बिजनेस नेम, किसी बिजनेस का जो नेम है वो भी आपका कैपिटल में रहता है। कैपिटलाइज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर, कैपिटलाइज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वॉशिंगटन टनल, लंदन ब्रिज, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे हावड़ा ब्रिज, और इस तरीके के जो स्ट्रक्चर हैं, जो कह सकते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन है, उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर का। कैपिटलाइज द नेम ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल, जियोग्राफिक प्लेस, यानी किसी प्लेस की जगह बात करें, जैसे इंडिया, अमेरिका, ठीक है, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड, तो इसके लिए भी आप यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर का। कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं, कोई भी इवेंट्स हो सकता है, तो उसके लिए भी हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, रशिया, तो इसके लिए भी हम लैंग्वेज के लिए भी कैपिटल, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा। कैपिटलाइज द रोमन न्यूमेरिक एंड, हाँ, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन, जो हम कोटेशन में लिखते हैं, जैसे ये आपका लिखा हुआ है, कोटेशन क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, डायरेक्ट नरेशन जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको हम कोटेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा एक क्लॉज होता है, फॉर एग्जांपल ही सेड, उसके बाद फिर यहाँ पर एक क्लॉज होगा, तो इस कोटेशन का जो पहला लेटर होता है वो भी आपका रहता है कैपिटल में, ठीक है। कैपिटलाइज ब्रांड नेम वगैरह भी आपका कैपिटल में रहता है। कैपिटलाइज रीजन्स, रिलीजियस डॉक्यूमेंट, नेम्स ऑफ चर्चेज एंड नेम्स ऑफ फॉर अ सुप्रीम बीइंग, जैसे क्रिश्चियन हो गया, या इस तरीके का हिंदू का भी कुछ हो सकता है, मुस्लिम का भी हो सकता है, मस्जिद वगैरह, मॉस्क वगैरह, तो इन सब के नेम आपके लिखे जाते हैं कैपिटल में, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाने वाली नहीं थी। कैपिटलाइजेशन यानी कि कैपिटल लेटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं तो भी कैपिटल लेटर का ही यूज़ करते हैं।